हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिवाली का कुछ समय की वजह से होमवर्क नहीं आ पाया, थोड़ा बिजी भी था, स्टूडियो में गया नहीं क्योंकि दिवाली थी, घर पे काम था। अब वापसी स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने होमवर्क को, और आपने भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी अपनी। चलो वापसी स्टार्ट कर रहे हैं, डे 5 का होमवर्क है। अब रोज होमवर्क आया करेगा, चाहे संडे है, चाहे सैटरडे है, चाहे कुछ भी हो, आपको रोज वीडियो एक मिल जाएगी सुबह मॉर्निंग के अंदर, जिससे आप कर पाए। मैथ में हमने सेट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मैथ सेट चैप्टर को हटा देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडाइसेस चैप्टर। इंडाइसेस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है उसके फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला था पढ़ाया था आपको क्लास के अंदर, उसको लिखना है आपको। दो बार आप एटलीस्ट उसको करें, इसके बाद उसके इलस्ट्रेशन और करने हैं, ठीक है ना। तो इंडाइसेस चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूले को दो बार लिखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, फॉर्मूले दो बार लिखने हैं, उसके बाद उसका इलस्ट्रेशन और करना है। अच्छा, अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आपने देखा होगा कि यहां पर तीन चार टाइप के एरर होते हैं, उन चार टाइप के एरर को कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है जी। सुनो ध्यान से, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका एक क्वेश्चन करना है, ठीक है जी, उसका एक क्वेश्चन करना है, एक एक नहीं एटलीस्ट पांच पांच क्वेश्चन करो। जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा, उसके पांच क्वेश्चन ट्राई करो। एरर ऑफ ऑमिशन पढ़ा, उसके पांच क्वेश्चन ट्राई करो। एरर ऑफ कमीशन पढ़ा, उसके पांच क्वेश्चन ट्राई करो। और कंपनसेटिंग एरर, उसके एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लो, ज्यादा है नहीं उसमें। तो रेक्टिफिकेशन में अभी आप कॉन्सेप्ट करेंगे, चारों एरर को के पांच पांच क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बेसिक हो गया। फिर स्टेजेस के हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, खत्म हो जाएगा, राइट, रेक्टिफिकेशन में। अब देखो रिविजन करते टाइम क्या होता है, हम सारे एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपने पांच क्वेश्चन बोला, मतलब पांच क्वेश्चन नहीं, पांच एंट्रीज बोल रहा हूं मैं, पांच अलग अलग क्वेश्चन नहीं कह रहा मैं, पांच एंट्री करो। एक क्वेश्चन के अंदर पांच एंट्री होगी ना, पांचों एरर ओमिशन के बेस पर होगी वो। तो मतलब हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक एरर पे पांच ट्रांजेक्शन आप सॉल्व कर लो। लॉ के अंदर आप स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, इसका नाम होगा एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस चैप्टर आज आप पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे उसको, और प्लस राइट करेंगे पूरा, ज्यादा नहीं है एक्सेप्टेंस चैप्टर। इसके बाद दोस्तों मैं ट्रायल, मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रहा हूँ, जिससे मैं आपको जो भी होमवर्क होगा आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। ऐसे पता नहीं चल रहा कि कौन सा बच्चा ग्रुप में है या नहीं है, तो मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम में एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है जी। मिशन उधर नोट्स भी भेज दिया करूंगा आपको, मिशन दिसंबर 22 का, ऐसे करके एक ग्रुप होगा मिशन दिसंबर 22, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है जी। तो टेलीग्राम में ग्रुप बना रहे मिशन दिसंबर 22, तो वहां टेलीग्राम में आप ऐड ऑन हो जाइए। कोई भी जिसने मेरे से क्लास ली है वो भी ऐड ऑन हो जाइए, जिसने नहीं ली वो भी ऐड हो जाइए। वहां कोई भी होमवर्क नोट्स होगा तो बच्चे आपको डिलीवर भी कर देंगे, और एक हेल्प भी हो जाएगी आपको, नोट्स मिल जाएंगे। कोई मेरी क्लासेस है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर, तो वो भी आपको वहां पर शेयर कर दी जाएगी, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है, आपने मेरे से पढ़ा है कोई चैप्टर, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो चैप्टर अगर यूट्यूब पर अवेलेबल होगा फ्री, तो वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मैथ अकाउंट लॉ का होमवर्क आज का ये रहा, और टेलीग्राम मिशन दिसंबर 2022 का ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।